गुड मॉर्निंग भारत, नमस्ते। मैं हूँ तनय और मेरे साथ है मेरा प्यारा सा बेटी इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं भारत के सबसे लंबा ह्यूमन और डॉग की पैदल यात्रा। तो हम लोग त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग देख लिया, दर्शन कर लिया हम लोग। उसके बाद हम लोग मंदिर के पास नहीं रुके क्योंकि मंदिर के पास बहुत भीड़ भट्टा होता है, इसलिए हम लोग मंदिर से थोड़ा दूर तलवाड़े बोल के एक जगह है जहाँ पे भेनु जी का एक सुंदर सा भिला है जिसका नाम पर्ण कुठीर। इस भिला में हम लोग 2 दिन से 3 दिन रुके थे क्योंकि हम लोगों को मंदिर भी घूमना थे, दर्शन करना थे और इवनिंग का और मेरा को थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए था, तो इसलिए हम लोग 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुक गए। हाँ, एक्स्ट्रा पे तो करना ही पड़ा। ये पर्णो कुठीर जो है बहुत ही सुंदर है, आप देख ही सकते, इतना सुंदर है, इतना हरा भरा है और सबसे बढ़िया बात है बहुत ही पीचफुल है। इधर कोई क्राउड नहीं है, दो साइड में बहुत पहाड़ है, छोटा छोटा महाराष्ट्रियन गांव है और फूड तो बहुत ही बढ़िया है। इतना अच्छा फूड मैं शायद बहुत कम खाया क्योंकि महाराष्ट्रियन फूड मैं इतना नहीं खाया, उसके बाद भी महाराष्ट्रियन फूड खाया और लोकल फूड जो है वही खाया और इवनिंग को भी बहुत पसंद आया। कोई भी घूमने के लिए जब भी त्रिंबकेश्वर आना चाहते हैं और समर के टाइम नहीं तो बारिश के टाइम आप लोग थोड़ा हैंग आउट करना चाहते हैं घर के सबके साथ, तो इस पर्ण कुठीर में आप लोग आ ही सकते हैं। नासिक में है, बहुत ही सुंदर है रिसोर्ट, तुम दिख रहे हैं जो भीला तो बहुत बढ़िया है। स्विमिंग पूल से शुरू करते हैं, जिमनास्टिक से शुरू करते हैं, प्लेइंग बहुत सारे गेम्स के लिए बहुत सारे चीज़ है और ये लोग पूरा इंडियन ट्रेडिशनल जो स्टाइल होता है उसमें ये बनाया हुआ है। बट कुछ बात आप लोगों को बोलना है क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे पास मौका है तो मैं शायद इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे होटल है, 5-star होटल, 3-star होटल, 4-star होटल, नहीं तो नॉर्मली कुछ होटल रिसोर्ट में जो एक प्रॉब्लम होता है वो है प्राइस। जो नॉर्मली आप खाने का प्राइस, तो आप लोग उनके स्टाइल अलग होता है तो खाने का प्राइस अलग से रख ही सकते हैं, ये दैट इज नॉर्मल। लेकिन कुछ चीज़ है जो डेयरी चीज होता है, कुछ पानी होता है, बेवरेज वगैरह होता है, उसका जो प्राइस रहता है नॉर्मली 20 रुपीज़ का पानी का बॉटल रहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा होटल में वो 40 रुपया 50 रुपया 100 रुपया रखता है। मुझे पता नहीं है वो लोग इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों रखता है। मैं बहुत सारे होटल को पूछा जी आप लोग इतना प्राइस क्यों रखते हैं, पूछे ये हमारा रूल्स है। ये कौन सा रूल्स है? मेन प्रॉब्लम है हमारा गवर्नमेंट का। तो मैंने चाहता हूँ जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो लोग है उन लोगों को ये चीज़ से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने बोले टैक्स के लिए, लेकिन आप जब भी कोई होटल और रिसोर्ट में रुकेंगे उसके ऑब्वियसली आप टैक्स देते हैं रूम रेंट के साथ, लेकिन खाने का टैक्स एक्स्ट्रा क्यों आपसे लेते हैं मुझे पता नहीं है क्योंकि हम लोग कोई कुछ नहीं बोलते इसलिए शायद वो लोग ऐसा करते हैं। और खाने का नॉर्मली सोचिए एक 20 रुपया का बिस्टली का बोतल के जो 20 रुपया उसमें ऑलरेडी टैक्सेस इंक्लूड है, उसके बाद भी 40 रुपया 50 रुपया। मैं भी बहुत सारे बिल्स आपको दिखा सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे होटल में रुकना पड़ा हम लोगों को, शायद क्योंकि मंदिर आश्रम नहीं मिला मुझे यार इवनिंग को, तो हम लोगों को क्या करना तो रुकना पड़ा। तो उसके उस वजह से क्या होता है जो मिडिल क्लास फैमिली है वो लोग होटल में जाके इस ये बहुत बड़ा फेस करता है। मैं गरीब घर से हूँ, मेरे को भी फेस करना पड़ता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। हम लोग हाँ शायद कुछ बोल नहीं पाते लेकिन ये तो चीज़ आपको देखना चाहिए, फूडिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा रखते हैं ये लोग। मुझे पता नहीं ये लोग फूडिंग कॉस्ट इतना क्यों रखते हैं, नॉर्मल फूड क्यों आप लोग नहीं दे सकते और नॉर्मल फूड का प्राइस इतना कम होना चाहिए जितना हो रहा है। तो बेवरेज में जो जो चीज़ पैकेजिंग में है जिसका प्राइस लिखा हुआ है उसके ऊपर भी आप लोग इतना एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बट ये सरासर जुलूम है और इसके बारे में आप लोगों को सबको बताना चाहिए जो इस होटल में जाइए उस होटल को, एंड गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए, अथॉरिटीज को बताना चाहिए और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस चीज में ना थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए क्योंकि जो लोग टूरिस्ट लोग आते हैं आपके टूरिज्म के बहुत सारे बिजनेस बढ़ाते हैं लेकिन गवर्नमेंट का उसमें हिस्सा है, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो उसके बाद भी ये लोग जो ये जुलूम करते हैं नॉर्मली जो ज़्यादा पैसा लेते हैं इसके बारे में आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली इस वजह से ज़्यादा जगह पे जाके रुक नहीं पाते। और खैर ये तो बात चलते ही रहेगा और सबसे बड़ा बात है जो आप लोग नासिक में आएंगे तो ऑब्वियसली इस पर्ण कुठीर में आप लोग आ सकते हैं। मेरा कॉमेंट्स और लिंक मैंने दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका, आप लोग बहुत ही अच्छा लगेगा हम लोगों का। हाँ और एक बात, हम लोगों को डिस्काउंट नहीं दिया,
हम लोगों को जैसा पैसा उन्होंने बोला वैसा ही दिया, हम लोग कम नहीं किया, और सबसे बड़ा बात उन्होंने डिस्काउंट भी नहीं दिया। बट जो प्राइस है वो रिजनेबल प्राइस है, इधर तो भीला है पीछे कॉटेज भी है, तो आपको शायद मुझे नहीं लगता थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और लेकिन एक चीज़ है, फूडिंग थोड़ा सा कॉस्ट है क्योंकि ये ऑफ बीट जाएगा है, तो फूडिंग तो कॉस्ट होगा ही। वो भी मैं ऑब्वियसली विनोद जी को बोलना चाहूँगा जे प्लीज़ फूड आपको हो सकते हैं तो आप लोग फूड कॉस्ट का थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है फूड, जो नॉर्मल फूड है वो भी कॉस्टली है। बट आपको तो जो मेरा दर्शक है उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोगों के पास बहुत पैसा है तो आप लोग इसमें आ ही सकते हैं नॉर्मली, और फैमिली पार्टी कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, अच्छा लगेगा। हाँ, फूड का थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा पैसा लगेगा ज़्यादा, लेकिन लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और ये इन्फॉर्मेशन पूरा